अब हमारा एक ही सपना है कि इसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। अवश्य होगी, आप चिंता ना करें। ऐसा पिछली बार जो मैंने विधि आपको बताई थी वो आप कर रही है? हाँ जी। वही विधि करते रहिएगा, एक दिन भी ना छूटे, बाकी सब भगवान जी देख लेंगे। पंडित जी, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जो भी रिश्ता देखें ना, हमारी हैसियत के अनुसार ही देखिएगा। आपको तो पता है कि इसके पापा एक कंपनी में मामूली से क्लर्क है, पर आपको ये भी पता है कि मेरी बेटी बहुत सुशील है। पंडित जी, ये इसकी तस्वीर। अच्छा, जय श्री राम। भगवान जी, आपके लिए किसी का भी सपना पूरा करना बाएं हाथ का खेल है, तो मेरे भी मम्मी पापा का सपना पूरा कर दो ना। इनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, शादी भी। जी, वो मैंने आपसे बात की थी ना, जी जी, अंकिता सिन्हा के बारे में। हाँ, आ उसके माता पिता आए थे मुझसे मिलने के लिए। हाँ, तस्वीर आ गई है। जी जी जी, बिल्कुल, हम लोग शाम को पहुंच जाते हैं। अरे बेटा, एक मिनट रुको, शाम को ना कॉलेज से जल्दी आ जाना, ठीक है? मंदिर जाना है, लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हें मिलने के लिए, पंडित जी ने बुलाया है। ठीक है मां। यार, अब ना मुझसे वेट नहीं होता, बस मैं चाहती हूँ मेरे सपनों का प्रिंस चार्मिंग आए और मुझे कहीं दूर लेके चला जाए। ओ मैडम, रियलिटी में आ जा, इतना शादी वादी प्रिंस चार्मिंग एंड ऑल मत कर। क्यों क्यों ना करूँ भला, सोच। जिस लड़के से मैं आज मिलने जा रही हूँ, अगर पहले इंडिपेंडेंट तो बन जा, फिर शादी वादी करना। अरे राशि, ये मैं थोड़ी ना चाहती हूँ, ये तो मम्मा पापा। अच्छा, और तू नहीं चाहती क्या? यार तू कौन सी दुनिया में रहती है? फेरी टेल्स की, सपनों की दुनिया। देख, फेरी टेल्स होती होंगी तभी तो लिखी गई है ना। अच्छा सुन, अगर तू शादी के लिए इतनी उतावली हो रही है ना, तो प्लीज मेरी एक बात मानना, अपने होने वाले पति के ना अच्छे से बैकग्राउंड चेक जरूर करना, क्योंकि आजकल की दुनिया में अच्छे लड़के मिलना, प्रिंस चार्मिंग एंड ऑल, बहुत मुश्किल है। अच्छा चल, अब मेरी बस आ गई, वरना छूट जाएगी। बाय। चल बाय। ज्यादा लग गई है, चलिए आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका डॉक्टर के पास लेके चलता हूं।
अब एक मिनट मैं लगा देता हूँ। हेलो, हाँ माँ। नहीं नहीं मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा माँ, मुझे थोड़ा जरूरी काम आ गया। आप प्लीज उनसे माफी मांग लेना। हाँ पता है माँ, पर मैं बहुत दूर हूँ कदरू मंदिर से, टाइम लग जाएगा मुझे। अच्छा लड़की भी नहीं आई, मैं देखता हूँ माँ, अगर काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं आ जाऊंगा। कोई बात नहीं माँ, पर आप लड़की के माता पिता से सॉरी जरूर बोल देना। ठीक है माँ। हाँ माँ मैं पहुंचता हूँ थोड़ी देर में कदरू मंदिर। माँ मुझे पता है मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, बट अब आप फोन नहीं रखेंगे तो मैं जल्दी कैसे आऊंगा। हाँ बस मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। डॉक्टर साहब कैसी हैं अब ये? Now she is fine. Thanks. You are welcome. आपको कहाँ जाना है? मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। जी मैं कदरू मंदिर जा रही थी। मेरा नाम अंकिता सिन्हा है। अंकिता सिन्हा? जी। अंकिता आ गई। अंकिता और ऋषभ एक साथ? अंकिता ये चोट कैसे लगी बेटा? माँ वो I'm sorry, अंकिता का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब वो ठीक है। माँ इन्होंने मेरी जान बचाई और फिर हॉस्पिटल भी ले गए थे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहीं था, इन्हें वहां पर देखा और हमें नहीं पता था कि भाई साहब अब तो लगता है कि भगवान जी की भी यही मर्जी है कि ये रिश्ता तय हो जाए। ये तो आपने सही कहा। देर ना करते हुए मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकलवा दें। पर मेरी एक शर्त है। अरे घबराने की कोई बात नहीं, दरअसल मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि ऋषभ थोड़े ही दिनों में अमेरिका जाने वाला है, ये सब तैयारियां सब कुछ उसके पहले हो जाए तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, पर कितनी जल्दी? यूं समझ लीजिए अगले 4 दिन में। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। अगले 4 दिन में शादी? इतनी जल्दी क्या है? लड़के का बैकग्राउंड तो चेक किया है ना, या जल्दबाजी में वो भी नहीं किया? ओफ़ करामती से रांची के सबसे बड़े घर में शादी होने जा रही है, महारानी बनकर रहेगी, और महलों का भी कोई बैकग्राउंड चेक करता है क्या? एक सेकंड ना ऋषभ, तुमसे शादी कर रहा है, क्या खास है तुम्हें? जी कौन? एक सेकंड ना। हाँ एक सेकंड। क्यों कर रहा है वो तुमसे शादी? मेरे साथ तो सीरियस रिलेशनशिप में था, वो भी 1 साल, फिर मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आ गया। आप क्या बोले जा रही हैं? आप है कौन? तुम मुझसे पूछना, वो तुम्हें बताएगा कि कौन बोल रही है। हेलो, आप हो कहाँ? ठीक तुम्हारे पीछे। कहाँ लेके जा रही हो? तुम इतनी टेंशन में क्यों हो बताओ पहले। ऋषभ मुझे एक लड़की का फोन आया था, उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हारे साथ 1 साल तक सीरियस रिलेशनशिप में थी और तुमने उसे छोड़ दिया। ऋषभ अगर ये बात मम्मी पापा को पता चली तो वो टूट जाएंगे। नहीं टूटेंगे वो, मेरी बात सुनो। दिशा और मैं 1 साथ थे, पर उसे मुझसे शादी नहीं करनी थी।
मैं उसे पूछता रहा, उसका वेट करता रहा, पर वो हमेशा मुझे टालती रही। मेरे लिए शादी का मतलब है लाइफ टाइम कमिटमेंट, जो उसे नहीं देनी थी मुझे। पर मुझे शादी करनी है तुमसे, क्योंकि तुम बिल्कुल वैसी हो जैसी मुझे चाहिए थी, और प्यार को और मजबूत बनाने के लिए शादी बहुत जरूरी है। और ये दिशा वाली बात मैं तुम्हें बताने ही वाला था, पर मुझे लगा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम जब मेरे साथ रहती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस वक्त थम जाए। तुम्हारे साथ रहकर मैंने खुद को पाया है अंकिता, पर अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। आपको मेरी आंखों में क्या दिखता है? आपको तो बुखार है। शायद इसे ही प्यार का बुखार कहते हैं। अरे लड़कियों जल्दी करो, ऋषभ ने गाड़ी भेज दी है। अरे रुको, ये ड्राइवर ऐसे कैसे चला गया? मैं अंकिता को फोन करती हूँ, रुको, उसे कहती हूँ हमें ले जाने के लिए। ये क्या है? रोको गाड़ी, मुझे मेरी फ्रेंड्स को लेना था। तुम हो कौन? मैं दिशा। बैठे रहो अंकिता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कौन हो तुम? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, रोको, उतारो मुझे यहीं पे। चुपचाप बैठी रहो। मैंने कहा रोको, छोड़ो मुझे, जाने दो। मुझे बात करनी है तुमसे, and it's really important। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेरी शादी होने वाली, मैं जा रही हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता भी उसके बारे में कुछ? He's a cheater। उसने मेरे साथ रिलेशनशिप से पहले बहुत सारी लड़कियों को धोखा दिया है। उसने मेरे साथ भी वही किया, पहले मुझे डेट किया, and then he ditched me। और अब वो तुम, अब वो क्या? अब मैं तुम्हारे साथ शादी कर रहा हूँ। Because she's special। और बाकी लड़कियों का क्या? उन्हें यूज किया और छोड़ दिया? तो मेरी बात तो शट अप, कुछ भी बोली जा रही हो। लुक, अगर उन्होंने मुझे चीट किया होता ना, तो आज मुझे सारी चीजें सच सच में बता चुके होते। मेरी तो किस्मत खराब है जो इतने अच्छे इंसान को खो दिया तुमने, और अब जब वो मुझसे शादी करने वाले, तुम्हें जलन हो रही है। चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से? प्लीज फॉर गॉड्स सेक गेट लॉस्ट। जब मैं पहली बार प्यार में पड़ा था ना, तो एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल, एवरीथिंग वाज अबाउट लव, सब कुछ इतना अच्छा था। और गलती से भी अगर मेरी गर्लफ्रेंड को किसी ने कुछ कह दिया ना, दैट्स इट, ही इज हैड इट, बिकॉज़ मैं उसकी जान लेने पर उतर आता था। दैट्स हाउ आई यूज्ड टू बी। बट यू नो कहने के मुझे लगता है कि हम जब प्यार में होते हैं ना, तो वी हम लोग प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं, हम इतने ब्लाइंडेड हो जाते हैं कि वी समहाउ फॉरगेट टू रैशनली मेजर द अदर पर्सन। हम काफी इरैशनल हो जाते हैं, इट्स बिकॉज़ वी आर इन लव। और अंकिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा, जबकि दिशा ने अंकिता को पूरी तरह से वाउंड करने की कोशिश की। पर द क्वेश्चन इज कि जो दिशा कह रही थी, क्या वो सच था? वी ओनली हैव टू वेट एंड वॉच। शादी कर ही ली, फाइनली योर ड्रीम कम्स ट्रू। मुझे मेरे सपनों का प्रिंस चार्मिंग भी तो मिल गया। खुश हो? कुछ तो बोलो। क्या बोलो?
ये सब कुछ एक सुंदर से सपने जैसा जो लग रहा है। और सपने में आगे कैसे होता है पता है ना? आँखों में है चेहरा तेरा, है यादों में पहरा तेरा, नींदे मेरी है खो गई, देखा है जब से चेहरा तेरा, है हो गया मुझको सनम तुमसे तुमसे प्यार, है हो गया मुझको सनम तुमसे तुमसे प्यार। यादों में तेरी डूबा रहे दिल, शामो सुबह नवा, आती है जब तेरी याद मुझको, हो जाए चैन जुदा, आके कभी मिल तो जरा, पूछ तो कैसा है हाल मेरा, भर लूंगा बाहों में तुझको सनम, होने ना दूंगा मैं खुद से जुदा, है हो गया मुझको सनम तुमसे तुमसे प्यार, है हो गया मुझको सनम तुमसे तुमसे प्यार। ओम ओम ता ता ता, 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 ओम ओम ता ता। अगर ऐसे ही इलाज होता रहा तो शीघ्र अति शीघ्र तुम ठीक हो जाओ। वो लड़की कुंवारी थी ना, जी बाबा बहुत अच्छे। बाबा वो अगर मुझ पर भरोसा नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे? नहीं नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, उस लड़की को तुम्हारा रोग अपने सर लेना होगा, तभी तुम्हें इस रोग से मुक्ति मिलेगी। जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे संभोग बढ़ेगा, और संभोग बढ़ाने से तुम्हारी तबीयत ठीक होती जाएगी। मुक्त होना चाहते हो ना इस रोग से? अरे अंकिता बेटा, तू यहाँ पर क्यों आई? रामू है ना, वो मम्मी वो काम कर लेगा बेटा, जाओ। तुम ऋषभ खुद पर ध्यान दो, अभी भी नहीं शादी हुई। चलो चलो बाहर, मैं ब्रेकफास्ट भिजवा देती हूँ। चलो चलो चलो। हेलो, हाय, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और तू बता, कैसी चल रही है तेरी मैरिड लाइफ? तुझे पता है यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा चल,
अब तू अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाद में बात करती हूँ, बाय। ऋषभ क्या कर रहे हो? ऋषभ मैं बात कर रही थी। ऋषभ और मैं सरप्राइज प्लान कर रहा था जो अब और इंतजार नहीं कर सकता। कोई आ जाएगा ऋषभ, छोड़ो मुझे, इसमें क्या है? ठीक है, पर ऋषभ कहाँ लेके जा रहे हो? एक मिनट बाबा। अरे तो बता तो कम से कम। बस आ गए। हाँ पर... ये सब क्या है ऋषभ? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, मेरा मतलब था कि बहुत अच्छा है, पर ये सब किस लिए? हमारे प्यार का सेलिब्रेशन है, इट्स आवर 3 मंथ एनिवर्सरी। छोटा सा सरप्राइज और है, मैं एक मिनट में आया। ऋषभ सुनो, ऋषभ। हाय अंकिता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। देखो सुनो, मुझे तुमसे, प्लीज जाओ यहाँ से और मुझे भी जाने दो। I'm so sorry. देखो, तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि मैं क्या? क्या कि तुम हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ से जलती हो, देख नहीं सकती हमें खुश? प्लीज फॉर गॉड से गो। क्यों नहीं समझ रही हो तुम किस चीज में फंस गई हो? प्लीज शट अप। देखो सुनो, मैं तुम्हें अपना नंबर दे रही हूँ, कभी भी मुझसे कोई भी बात करनी हो, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम प्लीज कॉल करना। ऋषभ सुनो, प्लीज जाओ यहाँ से। ऋषभ क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, वो दिशा आई थी, उसने ये सब किया। हाँ। ऐसे कैसे वो बार बार हमें अरेस्ट कर रही है? और डर से मैं उसे छोड़ूंगा। ऋषभ जाने दो ना, उसकी वजह से हम क्यों अपनी एनिवर्सरी खराब करें? इस बारे में बाद में बात कर लेंगे, मेरे लिए ओके। जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे संभोग बढ़ेगा, और संभोग बढ़ाने से तुम्हारी तबीयत ठीक होती जाएगी। मुक्त होना चाहते हो ना इस रोग से? अच्छा एक मिनट में आता हूँ। अब कहाँ जा रहे हो ऋषभ? ऋषभ एक बात कहूँ, क्या इजाजत है? तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ, क्या इजाजत है? तेरे इश्क की मुझको आदत है। सपने भी सच होते हैं। ये मुझे आज यकीन हो गया, जब से माँ से मैंने परियों की कहानी सुनी थी तब से मुझे अपने सपनों के उस राजकुमार का इंतजार था, और आज इस पल में मैं अपना वो सपना जी रही हूँ। मैं, तुम और ये रात, ये हकीकत सपने से भी ज्यादा खूबसूरत है। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे। ऋषभ कोई है? कोई है यहाँ पर? प्लीज हेल्प। ऋषभ आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ, आपको कुछ होने नहीं दूंगी। मैं अभी मम्मा पापा को फोन करके बुलाती हूँ। ऋषभ, हेलो हेलो पापा जी, आप लोग कहाँ? आपको पता है ऋषभ बेहोश हो गए, उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई, मुझे कुछ समझ। एक्सक्यूज मी जी, डॉक्टर साहब, ऋषभ मल्होत्रा के साथ आप ही हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। आप उनकी? मैं उनकी वाइफ। वाइफ? क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या हुआ ऋषभ को? ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले आपने बताया क्यों? क्या नहीं बताया डॉक्टर साहब, ऋषभ ठीक तो है ना? ही इज HIV पॉजिटिव।
ही इज एचआईवी पॉजिटिव, ही इज एचआईवी पॉजिटिव, ही इज एचआईवी पॉजिटिव, ही इज एचआईवी पॉजिटिव। अब ये मत बोलना कि आपको पता नहीं था। मुझे सच में कुछ भी डॉक्टर, क्या हो मेरे बेटे को? ही इज एचआईवी पॉजिटिव। रोने धोने का नाटक क्या लगा कर रखा है? क्या मिला तुझे मेरे बेटे को एचआईवी का मरीज बनाकर? मैं मम्मी जी अभी क्या बोल रही हूँ? अरे तू क्या बताएगी? बस तेरी वजह से मेरा बेटा इस तरह से बीमार पड़ा हुआ। अरे मेरा बेटा तो इतना सीधा साधा सा लड़का। डॉक्टर आप इसका टेस्ट कीजिए, यही सबकी जड़ है, इसी की वजह से आज ये सब कुछ हुआ। अंकिता टेस्टेड पॉजिटिव फॉर एचआईवी। उसका उसका ये सुंदर सा सपना कब एक नाइटमेयर में बदल गया पता ही नहीं चला। इस खूबसूरत सपने ने उसकी इस भयानक हकीकत से उसे रूबरू करवाया। तो उस वक्त अंकिता पर क्या बीत रही थी इस बात का अंदाज अभी नहीं लगा सकते हम। एंड कहीं ना कहीं ये जो सच है ये सामने इसीलिए आया था ताकि वो अंकिता का वो सपना तोड़ सके, हर रियलिटी चेक। एंड टू टॉप इट ऑल उसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे थे कि उसने अपने प्रिंस चार्मिंग को ये एचआईवी वायरस दिया। शर्म नहीं आती तुझे? ऐसी गंदी बीमारी लेकर तो आई कैसे हमारे घर? तेरे बेटे को बीमार कर दिया? ओ आइए आइए, अपनी बेटी के करतूतों पर पर्दा डालने आए होंगे ना? पता नहीं कहां कहां मुंह मारा होगा इसने। ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? ऐसे कैसे का मतलब, आप ही के घर से आई है ना ये बीमारी? अरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। ऋषभ सब कुछ तो बोलो, ले जाइए इसे यहां से। इसकी शक्ल देखने से भी घिन आती है, अब जाइए यहां से। कहा था ना मैंने इससे ज्यादा बाहर मत जाने देना। अवश्य आप ही ने कहा था कि दोनों में प्यार अपना जरूरी है, बस इसीलिए बाहर भेजा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि बाहर रोकना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अवश्य ऐसा मत कहिए, कोई ना कोई तो उपाय जरूर होगा। उपाय? एक उपाय है, बहुत मुश्किल, बहुत कठिन है। ऋषभ बोलो, कर पाओगे? अब तक सब ठीक था, मेरा प्लान फुल प्रूफ था और आगे भी होगा। नथिंग कैन कम इन बिटवीन मी एंड माई लाइफ, सब नॉर्मल होगा। आई वॉन्ट माई नॉर्मल लाइफ बैक। इस लड़की को मुझे ठीक करना होगा, इसीलिए मेरी शादी हुई है इससे। ये मुझे नॉर्मल बनाएगी। कन्या के साथ शादी करनी होगी, ऐसी कन्या
जिसने कभी किसी के साथ संभोग न किया हो। चुप रहो, मुझे तो अपने प्रिंस चार्मिंग का इंतजार है। उसके साथ संभोग करके अपना रोग तुम्हें उसे देना होगा, तभी तुम्हें इस रोग से मुक्ति मिलेगी। बुरा ना मानिएगा, पर मैं अंकिता से अकेले में बात करना चाहता हूं। सॉरी अंकिता, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस दिन। सब कुछ अचानक मुझसे हैंडल नहीं हुआ अंकिता। मैं बहुत शॉक था, दिमाग फट रहा था मेरा। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो अंकिता। कुछ बोलो ना अंकिता, कुछ बोलो प्लीज। चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे पता है कि ये सब तुम्हारी वजह से नहीं है। शायद मुझसे ही कुछ गलत हो गया होगा। डॉक्टर ने कहा है अगर इलाज रेगुलरली चलेगा तो हम 15-20 साल जी सकते हैं, या शायद उससे ज्यादा। मम्मा पापा चाहते हैं कि मैं तुमसे ना मिलूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। हम किसी और जगह शिफ्ट हो जाएंगे जहां हमें कोई नहीं जानता। एंड ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ। हम कहां जा रहे हैं? चलो तो सही, एक बहुत अच्छा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज यहाँ? हाँ हाँ, तुम सवाल बहुत करती हो। ये रहा सरप्राइज। अच्छा है ना? ये क्या है ऋषभ? ऋषभ, तुम तो डर रही हो यार। तुम उससे प्यार नहीं करती क्या? प्यार करती हो कि नहीं? हाँ ऋषभ। तो आज तुम्हें मेरे लिए मरना होगा। तुम्हें पता है, हम ना दूसरे जन्म में जरूर मिलेंगे, लेकिन इस जन्म में तुम्हें बलि देनी होगी, मेरी बीमारी अपने सर लेनी होगी। तुम्हें उस लड़की की बलि चढ़ानी होगी जो मंत्र मैंने तुम्हें सिखाया है। उस मंत्र को याद कर लो। वो मंत्र बोलते हुए 11 बार इस खंजर से उस लड़की के शरीर पर वार करना। ओम ब्रीम श्रीम चामुंडाय नमः। क्या बोले जा रहे हो ऋषभ? तुम्हारे मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमें डॉक्टर से इलाज कराना ही होगा। ऋषभ Thank you.
पति के ना अच्छे से बैकग्राउंड चेक जरूर करना, क्योंकि आजकल की दुनिया में अच्छे लड़के मिलना, प्रिंस चार्मिंग एंड ऑल, बहुत मुश्किल है। रांची के सबसे बड़े घर में शादी होने जा रही है, महारानी बनकर रहेगी, और महलों का भी कोई बैकग्राउंड चेक करता है क्या? अंकिता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। तुम्हें पता भी उसके बारे में कुछ? He's a cheater. उसने मेरे साथ रिलेशनशिप से पहले बहुत सारी लड़कियों को धोखा दिया है। तुम यहाँ? ऋषभ ऐसा HIV पॉजिटिव, तुम भी आओ, अंदर आओ। मैं इसीलिए तुम्हें वार्न करना चाहती थी, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, पर तुमने मुझे तुम्हारी हेल्प ही नहीं करने दी। He's a bloody cheater. जानवर है वो आदमी, सिर्फ तुम्हारी जान बचाना चाहती थी। मुझे उसी दिन पता चल गया था कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। I'm sorry. काश मैंने उसने तुम्हारी बात मान ली होती और सब खत्म नहीं होता। तुम मेरी मदद करोगे? प्लीज मेरे साथ विटनेस बन के चलो, मुझसे सबको सच बता दूंगी कि ऋषभ को पहले से HIV है। सिर्फ एक यही तरीका है जिससे हम उसे गलत ठहरा सकते, वो कभी किसी को धोखा नहीं दे पाएगा। मैं नहीं चाहती कि कल को दुनिया वाले ये कहें कि हम दोनों में से किसी एक ने उसे बीमारी थी। जानती हूँ दिशा, तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, पर प्लीज मेरे लिए कर दो। मुश्किल तो बहुत है, अब तक मैं सबसे छुपकर अपना इलाज करा रही थी, पर अब बहुत हुआ। जब हमारी गलती ही नहीं है तो हम क्यों सहें? तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। थैंक यू। इट्स शॉकिंग कि कैसे हमारी कंट्री में आज भी ऐसे स्टूपिड सुपरस्टिशंस को फॉलो किया जाता है, जहां बात बात पर हमें सुपरस्टिशंस के नाम पर डराया जाता है, उल्टा सीधा काम करवाया जाता है। जैसे ऋषभ और उसकी फैमिली ने अंधविश्वास में आकर दे ऑलमोस्ट किल्ड अंकिता, बट यू नो लाइफ हमेशा चीजों को बैलेंस आउट कर देती है। द पुलिस अरेस्टेड ऋषभ एंड हिज फैमिली, एंड इवन दो ऋषभ रियली वांटेड टू लिव, सही समय पर ट्रीटमेंट ना करवाने की वजह से वो अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन गिन रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अंकिता और दिशा, उन दोनों ने अपनी जिंदगी में एक नया मकसद ढूंढ लिया। अपनी चाल पे, अपने सवाल पे, राशि तूने सही कहा था, अगर शादी की इतनी जल्दबाजी नहीं होती तो सब कुछ ठीक होता ना। चुप, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम दोनों ये मत समझो कि तुम अकेले हो, हम सब तुम्हारे साथ है, पूरा कॉलेज तुम्हारे साथ है। थैंक्स राशि, थैंक यू सो मच। प्यार एक ऐसी फीलिंग, ऐसा एहसास जो या तो इंसान को बना देता है या सब कुछ बिगाड़ देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मेरे प्यार ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि शायद मैं तो उससे प्यार करती थी, पर वो तो खैर छोड़िए। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को भी प्यार हुआ होगा या होने वाला होगा, तो अपने प्यार को ना अपनी आंखों की पट्टी मत बनने दो, उसे ना एक स्पेशल फीलिंग की तरह ट्रीट करो। सबसे पहले अपने पार्टनर से कहो कि वो HIV टेस्ट कराए या उसकी रिपोर्ट्स मांगो, और दूसरा किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आने से या इंटीमेट होने से पहले उसे कॉन्डम का यूज करने को बोलो। शर्माने की कोई बात नहीं है, देखो प्यार करना गलत नहीं, और प्यार में खुद को भुला देना वो गलत है।
लाइफ सबको दूसरा मौका देती है, पर मुझे नहीं दिया। और मैं नहीं चाहती जो गलती मुझसे हुई है आप लोगों से। अपने इस मौके को यूज करो, अपने समझदारी से खुद को बचा। थैंक यू। We all are with you. 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 We all are with you.